नमस्कार, मैं हूँ सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। आज यानी 26 जून को किसान आंदोलन को 7 महीने पूरे हो चुके हैं। सरकार की तरफ से जो काले कानून लगाए गए थे उसको रद्द करने के लिए आज संविधान चौक पर किसानों ने कुछ मोर्चा आंदोलन किया है। तो आइए देखते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है इन 3 कृषि कानून बिल को लेकर। काले कानून वापस लो, कृषि काले कानून वापस लो, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। से हमारे देश का किसान दिल्ली की बॉर्डरों पर बड़ा है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है। इसीलिए आज हमारे देश के किसानों की तरफ से संविधान चौक पर धरना प्रदर्शन किया गया है। तो आइए जानते हैं उनकी क्या मांगे हैं। मेरा नाम डॉक्टर जुगल रायलू, मैं भारतीय किसान मोर्चे का एक सदस्य हूँ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का नागपुर का समन्वयक। 7 महीने से भारत का किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठा है, अपनी जायज मांगों के लिए संघर्ष कर रहा है। पूरे दुनिया में न भूतों न भविष्य की ऐसा आंदोलन कभी नहीं हुआ। किसान क्या कह रहा है कि ये जो 3 कानून तुमने लाए इस पर हमें भरोसा नहीं, ये हमारी किसानी बर्बाद करेगा, ये हमको बर्बाद करेगा, इसे वापस लो। भारत में लोकतंत्र है, आपने कानून वही लाना चाहिए जो लोगों को पसंद है। किसान जब कह रहा है कि हमें ये कानून नहीं चाहिए और हम कहते हैं भारत किसानों का देश है, 70% जनता यहाँ की किसानी करती है, तो लोकतंत्र के सरकार ने 70% जनता की आवाज़ सुनना चाहिए। और इसीलिए और ये सरकार बार बार कह रही है कि ये दिल्ली में बैठे लोग हैं वो पंजाब के लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं, हम महाराष्ट्र के लोग दिखाना चाहते हैं कि उनके साथ महाराष्ट्र का किसान भी है, नागपुर का भी किसान है। और इसीलिए आज के इस दिन 26 जून जो लोकतंत्र बचाओ दिन है, उस दिन हम ये कह रहे हैं कि किसान अगर नहीं बचेगा तो लोकतंत्र भी नहीं बचेगा। इसलिए अलग अलग संगठन AIPCU, किसान सभा, बाकी जो संगठन है उन सबका मिला जुला ये प्रदर्शन है उन किसानों के लिए, अपनी सॉलिडारिटी दिखाने के लिए और नरेंद्र मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ। किसानों को ये बार बार कहने के बावजूद भी हमको काला कानून नहीं चाहिए, किसानों से ज्यादा बेहतर ये कोई नहीं जानता कि ये काले कानून उनके हित का नहीं है। इसके बावजूद सरकार 7 महीने से कोई फैसला नहीं ले पा रही है। इसका कारण यह है कि सरकार ने अडानी अंबानी के साथ एक समझौता किया। क्या समझौता? वो समझौता ये कि हम तीनों कानून पास करवाएंगे। एक बार तीनों कानून पास हो जाते हैं, तीनों कानूनों के खिलाफ आप क्या कहना चाहते हैं, कौन से ऐसे 3 कानून हैं जो हमारी पब्लिक को? पहला कानून जो है वो 60वां जिसको बोलते हैं होल्डिंग। 1953 में द ग्रेट प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने एक कानून पास किया था कि जब कभी कोई प्रोडक्शन आएगा किसान का तो उसका सिर्फ 1/4 आप होल्डिंग में रख सकते हो, 3/4 आपको बाजार में बेचना पड़ता है। इससे क्या होता है कि चीजों की कीमतें बढ़ती नहीं है। इन्होंने वो कानून निरस्त कर दिया कि आप कितना भी होल्डिंग कर सकते हो। इसलिए 11,000 एकड़ जमीन हरियाणा में है, अब अडानी ने खरीद लिया। होगा क्या कि छोटे मोटे किसान वो तो अपने घर से ज्यादा दूर नहीं जा सकते, तो वो कमर अरुण उनके बाद इनका लेना, ये किसान सभा क्या। तो ये कानून पास हो जाने से किसान बर्बाद हो जाएगा, तो इसलिए पहला। दूसरा कॉर्पोरेट कानून। कॉर्पोरेट के ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, आप ये जो 3 कानून लाए गए, आपको ये पता होना चाहिए कि कोरोना के पीरियड में खेती का उत्पादन 25% बढ़ गया, 10 साल में पहली बार। तो अदानी अंबानी की नजर चली गई कि खेती की पैदाइश, खेती की जमीन, उसका व्यापार विपणन, अगर ये कारोबार हमारे हाथ में आ गया तो पूरे देश को हम कंट्रोल कर पाएंगे। और उन्होंने मोदी को आदेश दिए उन्होंने कि हमारे लिए कानून बनाओ, और ये 3 कानून अगर अभ्यास करोगे आप तो ये उसी के लिए बनाए गए कि कैसे कारपोरेट हाथ में खेती की जमीन जाएगी, कैसे मार्केट कृषि उत्पन्न बाजार समिति बर्बाद होकर पूरा मार्केट उनके कब्जे में चला जाएगा, और किस तरीके से जो साठवनी की वाली मर्यादा थी उसको हराने के कारण पूरे इनके गोडाउन में माल रहेगा, बाजार में टंचाई निर्माण की जाएगी और लोगों को लूटा जाएगा ज्यादा दाम से।
जब किसान की फसल आएगी तब कम दाम पर उसको किसानों से खरीदा जाएगा, फिर गोडाउन भरा जाएगा। ये तीनों कानून ये कारपोरेटर के लिए बनाए गए। और इससे कृषि मंत्री क्या बोलता है जरा देखिए, वो तीनों कायदे को छोड़ो, बाद में बात करने को सरकार तैयार है। यानी मोदी इन तीन काले कानून को पीछे लेने को तैयार रही। तू पूरी तरह कारपोरेटराइजेशन मोदी उसका शिकार है और पूरी जनता को बर्बाद करने के वो आगे पढ़ पाया। पिछले कितने सालों से, सदियों से ये जो कानून चलते आ रहे हैं, इससे अभी तक किसानों को कोई दिक्कत नहीं थी। इसीलिए किसानों ने अपना ये रखा है कि ये काले कानून वापस लो, उसके बावजूद भी सरकार को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मैं आपको बोल चुका है कि मोदी कारपोरेट का दलाल है, इंटरनेशनल इसमें वो इसलिए फंसा है कि जो कुछ करार हुए है उसमें मुक्त बाजार करना है, तो वो उसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दर्पण है। मगर यहाँ अदानी अंबानी इन्होंने उसको आदेश दिया है, और अदानी अंबानी के चैनलों के कारण, अदानी अंबानी के सहयोग के कारण तो झूठे नारों को लोगों को मूर्ख बनाकर सत्ता में आया, तो उससे दगा नहीं कर सकता। इसलिए वो इतने 80 करोड़ लोग निकले इन कानून से प्रभावित होने वाले, बर्बाद हो जाएंगे, तो भी वो उसको नज़रअंदाज नहीं करके। उसके बाद EVM है, उसके बाद अदानी अंबानी है, तो उसका गुरूर है, और ये किसान आंदोलन उसका गुरूर खत्म करेगा। 7 महीने से तो कोई फैसला ले नहीं पाई है सरकार। हाँ। इसके बाद अब और कितना बड़ा आंदोलन करना है? देखिए, आज ये आज का जो आंदोलन है 26 जून का, एक तो आनी बानी का दिन है घोषणा का। ये कौन सा दिन होता है? ये आनी बानी 1975 को 26 जून को घोषणा हुई, तो लोकशाही को धोखा पैदा हो गया था। और आज 7 महीने हो रहा है, मोदी उसकी सूद नहीं रही, तो लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया। इसलिए खेती बचाओ, लोकशाही बचाओ, ये दिन आज हम मना रहे हैं, ये पूरे देश में मना रहे हैं। आपको मैं बता, महाराष्ट्र में करीब करीब ये पूरे जिलों में आंदोलन होगा, बम्बई में राजभवन पर राज्यपाल के सामने ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा, सब संयुक्त आंदोलन होगा, और पूरे देश में हो रहा, तो करोड़ों लोग आज रस्ते पर उतर चुके हैं। तो ये लंबी लड़ाई की हम तैयारी कर रहे हैं कि मोदी पीछे रहेगा नहीं। मैं एक बार वाकया बता चुका हूँ कि ये आंदोलन लंबा चलेगा, और घटनाएं अगर कुछ घड़ी तो हो सकता है मोदी को आत्महत्या करना पड़ेगा। कोई कोई चुंगल में फंसा है अदानी अंबानी के, एक तो उसको ये कानून पीछे लेना पड़ेगा, नहीं तो मोदी को आत्महत्या करना पड़ेगा, नहीं तो फिर चुनाव जनता फैसला कर लेगी। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भी हमारे रबर स्टैम्प होते हैं। हमने अपने रोष पत्र में अगर आप निवेदन पढ़ेंगे तो हमने उनको बोला कि आप सही सिक्के, मगर आपके सिक्के से चलती ना ये सरकार, तो जरा अपने माइंड को जरा खोलो, ऐसा हमारा निवेदन अभी फिर उनके दिमाग को खोलने की कोशिश करें। जैसे कि आपने देखा है कि आज पूरे देश में 26 जून किसान दिन के रूप में मनाया गया है, और इसी के साथ आज संविधान चौक पर भी आपने देखा कि जन आक्रोश है पूरा किसानों का, क्योंकि हर कोई किसानों के साथ ही खड़ा है, क्योंकि उनका ये तीन कृषि कानून बिल मंजूर नहीं है। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए तत्काल न्यूज लाइव। किसानों के खिलाफ कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मजदूरों के खिलाफ